हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी काफी कैंडिडेट्स की जानकारी के अभाव में बाहर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं कि एक तो जब फॉर्म फिल किया था उस समय गलती कर दी थी, या फॉर्म फिल किया उस समय एक माइग्रेंट वाला जो कॉलम है उसमें यस कर दिया, उसके बाद क्या आप माइग्रेंट जो स्टेटस है वो रिजर्वेशन लेना चाहते हैं अपने माइग्रेंट स्टेट से, उसमें भी नो कर दिया तो आगे ऑप्शन नहीं आया। कहां से किया, क्या किया, ये जो है फॉर्म फिल करने वाली जो गलतियां हैं उसकी वजह से। अब ये देखिए, एक तो ये कैंडिडेट ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट नॉट प्रोड्यूस्ड, बस ये होते ही खेल खत्म हो गया, क्योंकि भर्ती जो है वो डोमिसाइल स्टेटस के आधार पर है। आपको जिस स्टेट से आप आवेदन कर रहे हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट पीआरसी टीआरसी जैसा भी उस पर्टिकुलर स्टेट में प्रिवेल्ड है, प्रचलन में है, वो आपको प्रोड्यूस करना होगा, अन्यथा आप बाहर हो जाएंगे। आगे आने वाली जो भर्ती है 2023 वाली या 24 वाली, उसके लिए भी आपको मानसिक रूप से तैयार रहना है जो कि मेरे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, फॉर्म कैसे फिल करना है, उसके लिए हम बाद में आपको फिर से आगाह कर देंगे वीडियो बनाकर। अब देखिए, मेडिकल जो है डॉक्यूमेंट हो गया, उसके बाद मेडिकल यहाँ पर इनको एक स्कोलियोसिस का इनका पॉइंट है। स्कोलियोसिस क्या होता है कि ये जो आपका रीढ़ की हड्डी है ये थोड़ा सा कर्व लिए हुए होती है, या यूं कहें कि जब आपको झुकने के लिए कहा जाता है तो आपका पीठ इस तरीके से दिखाई देना चाहिए, ये नॉर्मल है, लेकिन ये यदि इधर की ओर उठ रहा है या इधर की ओर ऊपर उठ रहा है तो वो स्कोलियोटिक स्पाइन, यदि आपका इस तरीके से हो रहा है तो वो स्कोलियोटिक्स। अब तीन डॉक्टर्स का देख रहे हैं यहां, स्पेशलिस्ट का बोर्ड बना, उस बोर्ड ने इनको अनफिट कर दिया। पॉइंट इनको एक्चुअली दो थे, जो दूसरा पॉइंट जो था उसमें ये क्लियर हो गए, लेकिन ऑर्थो ओपिनियन अटैच्ड यहां पे साफ लिखा हुआ है कि ऑर्थो ओपिनियन अटैच, यानी कि स्पेशलिस्ट का ओपिनियन के आधार पर अनफिट किया है, मेडिकल गाइडलाइन फॉलो करते हुए अनफिट किया है, तो यहां पर अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब तो ऑप्शन यही बचा है कि ये जो स्कोलियोसिस का जो प्रॉब्लम है उसको हम ठीक करवाएं, उसको फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, कुछ सेशंस लें उनके साथ में, ताकि ये हमारी ठीक हो जाए और आगे आने वाली भर्ती जो है वो हम देख सकें। और यदि ओवर एज हो गए हैं तो हताश होने की जरूरत नहीं है, और भी बेहतर मौके मिलेंगे, तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और ये जो मेडिकल के वीडियोस हैं या डॉक्यूमेंट्स के हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए कि किस तरीके से देखिए सारी मेहनत लास्ट मोमेंट में बेकार हो जाती है, कि जब डॉक्यूमेंट सही नहीं है या डॉक्यूमेंट भी सब कुछ ठीक है लेकिन मेडिकल का कोई ऐसा पॉइंट डिटेक्ट हो गया कि जिसकी जानकारी नहीं थी, अब तक कभी इल्म नहीं था कि ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सबसे बचने का यही की तरीका है कि पहले से अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें, अच्छे से चेक करें, फॉर्म फिल करते समय ध्यान रखें, और मेडिकल जो है उसके बारे में एक बार प्री मेडिकल चेकअप जरूर करवाएं। जय हिंद। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team, eye specialist, MD physician, end specialist, physiotherapist, gynecologist, female staff, four female candidate. हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877444।